ये क्या चीज़ है भाई? ये MI/2 भाई, ये नहीं, मैं अपना बताइए, ऊँचा ऊँचा हो गया था मेरा थोड़ा साइड हो गया हल्का सा मेरा भाई, ये क्या हेल्प हो जाएगी? देखो जो दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे, वे तीन क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि 2014 तक का पार्ट था, 15 में उसने चेंज किया था, तो 15 में ये क्वेश्चन उसने दिया था। हिम्मत भाई हिम्मत, ठीक है और सामने आ गया तो आप ठीक है आ गए, तो पीछे आ रहे हैं तो पीछे खाली नहीं पड़ा, गर्दन दर्द हो जाएगी यार, गर्दन नहीं कर दिया, काश ऐसा होता मैं तेरे गर्दन में लगा लेता अपनी गर्दन, हम तो काम आगे बड़ा जी सर चेक करेंगे सारी आवाज़ आएगी Thank you.
और y की वैल्यू रखोगे तो 4/6 बन जाएगा, z की वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा बोलो जल्दी, z plus 1009 बराबर क्या है 3 into 1009 से 1009 उठ जाएगा, 2 से 2 बार गया, 2 से 3 बार, तो देख इसके नीचे भी 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, 3 का 3 कॉमन, 3 नीचे आ गया तो 2 2 2, 6/3 हां आंसर तो देखो यहां इसके अलावा तो कुछ आंसर अगर कॉम्प्लिकेटेड हो तो अगर अच्छा है ठीक है, बस आपको उसका यूज करना आना चाहिए, अगर एक बार यूज करना आ गया तो आपका काम करेगा। जैसे मेरी बात आपको समझ आ रही है ठीक है, अब इसे मैंने नाम दिया फर्स्ट और इसे नाम दिया सेकंड, ध्यान से सुनना मेरा, देखो इसका डिनोमिनेटर देखो x plus 1 इसका डिनोमिनेटर x plus 1 सेम है, इसका डिनोमिनेटर y plus 2 इसका डिनोमिनेटर y plus 2 इनका डिनोमिनेटर सेम है हमेशा सेम बस बता यस सर, इनका डिनोमिनेटर हर केस में क्या होगा सेम सेम होगा, जो डिनोमिनेटर है कुछ भी जुगाड़ करो वही न्यूमरेटर बना, मतलब जो हर है कुछ भी जुगाड़ करके वही अंश बना दो वही न्यूमरेटर बना दो आपका काम हो जाएगा। अब देखो x plus 1 डिनोमिनेटर है तो x plus 1 ही ऊपर बनाना है, x है सेकंड इक्वेशन में 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, इसका मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो जोड़ने के बाद क्या ये x plus 1 upon x plus 1 बन जाएगा और ये y plus 2 upon y plus 2 बन जाएगा और ये z plus 1009 upon z plus 1009 बन जाएगा और बराबर 1 plus t क्या होगा कि नहीं होगा जैसा हो जाएगा होगा, तो ये कटेगा तो कितना one. ये कटेगा तो 1 ये 1 1 1 1 3 3 is equal to 1 plus t तो t is equal to 2 आंसर आएगा। हाँ सर बहुत ही इजी है, इतना है 1 1 जी है
ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट बोल दिया बट दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये a plus 1 upon a plus 1 b plus 1 upon b plus 1 और c plus 1 upon c plus 1 is equal to 2 plus c 1 1 1 3 is equal to 2 plus c but d is equal to 1 दिमाग काम कर रहा है यस सर c माइनस वन सेकंड में से फर्स्ट घटाया है तो t माइनस टू देखो ध्यान रखना एक बार जोड़ से टाइम 1 प्लस t लिखो है t प्लस 1 लिखो उसके से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन घटाते टाइम ध्यान रखना क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट घटाया तो t माइनस टू ही लिखना अगर 2 माइनस t लिखा तो चीन की जगह जापान पहुंच जाओगे उसका लेके जैसे ये होता है सर बहुत अलग अलग है ठीक है तो ये कितना हो गया 3 इज इक्वल टू t माइनस 2 तो t इज इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 5 तो देखो अगर आप 2 माइनस t लिखते तो आंसर माइनस 1 आ गया बस समझदारी कर लोगे ना काम ठीक है अब एक और कहानी बता देता हूँ बस देखो अब और छोटा सुनो अब कितना भी लिखना है तो मैंने आपको पूरा लिख के बताया आप तक ठीक है तो पेपर में डालो लिखने से रफ करना सुनना ध्यान से वो कर दो रफी कर दो देखो इक्वल के साइड में कितने टर्म है 3 तो ये पक्का 3 मत का आएगा हमेशा सेकंड में से फर्स्ट बताया तो t माइनस 2 तो t इज इक्वल टू 5 एक लाइन में लिख देना हां तो आप सब हो जाएगा x upon x minus a y upon y minus b z upon z minus c की वैल्यू चलता होगी बता दो कितनी बता दो तो इसे हम लिख देंगे t अब देखो ये सेकंड है फर्स्ट तो सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो इधर तो 3 बनना ही बनना है तो इधर क्या बनेगा t minus 3 तो t is equal to 6
खेलेंगे। भाई के कृपा मिल गया है। फोर दो को हमने लेंगे तो हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री
और नीचे से भी दो कॉमन रहेंगे तो टू माइनस रूट थ्री, टू से टू कैंसिल हो गया तो ए बाई बी आपको दिखेगा टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री, मतलब ए कितना है और बी कितना है, तो ए बराबर हो गया टू प्लस रूट थ्री और बी बराबर हो गया टू माइनस रूट थ्री। सर बहुत लंबा नहीं है सर, कुछ ज़्यादा ही लंबा महसूस हो रहा है। जहां b है 1 / a अगर लिख रहे तो बराबर 4 हो जाएगा।
इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस अगले टर्म होगी 2 इनटू a इनटू 1 अपॉन a होगी, पर बराबर किसके हो जाएगा? तो ये तो हट गया, इसे मैं इस साइड भेज दूं, ये 16 माइनस 2 बराबर आप 14 लिख दो, तो लिख दो बस समझा नहीं, तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर ये ऐसी टर्म होती है, आप इसे प्लस का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे तो प्लस 2 कर दोगे तो प्लस का बन जाएगा, माइनस 2 कर दोगे तो माइनस वाला होल स्क्वायर बन जाएगा, तो अगर माइनस 2 यहां किया माइनस 2 यहां करना पड़ेगा, तो बन गया a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, तो a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 2√3, तो देखो पहले वाले तरीके से बन जाएगा, फिर ये गिरा a प्लस 1 अपॉन a कितना है 4 और a माइनस 1 अपॉन a कितना है 2√3, तो जोड़ने के पार्ट कट जाएगा तो 2 is equal to 4 plus 2 root 3 तो a is equal to 2 plus root 3 तो b is equal to 2 minus root 3। देखो यहाँ से ये 4 और ये 1, तो अगर root a भी 1 है तो क्या a भी को 1 ले जाएंगे? अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जो ये पार्ट है आप हमेशा क्या करोगे, इस पार्ट को दो बराबर बराबर हिस्सों में लिखोगे, ध्यान से सुन लेना एक बार, जो ये पार्ट है क्या करेंगे, दो बराबर बराबर हिस्सों में लिखेंगे, आपको साफ साफ लिखा गया, देखो a ग्रेटर देन b, इसका मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, यस सर, ठीक है, जो बड़ा है उसके लिए प्लस लगा दिया, जो छोटा है उसके लिए माइनस लगा दिया, टू दो बराबर बराबर हिस्सों में लेते हैं, टू और ये टू, बात क्लियर है, ए ग्रेटर देन बी है, yes, एक के लिए प्लस लगा दिया, एक के लिए माइनस और एक के लिए माइनस, बात समझ आ रही है, अब देखो इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 4, ये घटा दे 3, कितना है 3 प्लस 3 और माइनस सर सबसे इजी है आई ऐसा दिखाओ सर, हाँ ठीक है सर, एक बार और सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटा है तो जो बड़ा है वो प्लस वाला हो जाएगा, छोटा है वो माइनस वाला, ठीक है, अब देखो दो का स्क्वायर करेंगे मतलब जो भी यहाँ टर्म होगी वो कुछ भी एक्स वाई जेड हमें मतलब नहीं है, ठीक है, जो यहाँ टर्म होगी उसका स्क्वायर कर लेना, स्क्वायर कर लिया 4 और जो यहाँ होगा वो घटा देना, 4 में से एक गया 3, तो ये रूट लगा के लिख देना √3 और √3, कंसेप्ट कुछ हो गए, तो क्या कंसेप्ट है देखो, इनका मल्टीप्लाई जो पार्ट है वो 1 आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि a plus b into a minus b बराबर a square minus b square होता है, ठीक है, तो इनका जो मल्टीप्लाई पार्ट है वो a होना चाहिए, बस समझ आ रही है, अब देखो a square मतलब a की जगह पर आपके पास क्या है 2, तो मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि इसका 2 का स्क्वायर कर दिया हमने 4, तो माइनस बी स्क्वायर लिखोगे हमें b चाहिए, तो इस पार्ट को इस साइड लेंगे तो b स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 3 हो गए, यस सर हो जाएगा सर, b बराबर आप √3 लेता होगा कि लेता होगा तभी तो मामला बना है, यस सर मेरी बात समझ आ गई, यस सर, मैं इस बात को ऐसे ना बता के आपको सीधा बता दे रहा हूं इनसे कि जो ये आएगा इसका स्क्वायर कर लेना, ये घटा के √ ले लेना, ये अपने आप का बन के आ जाएगा, मेरी बात आपको समझ आ रही है, यस सर, ठीक है, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल लेता हूं आपको थोड़ी सी बातें समझ में आएंगी, ध्यान से समझना, मैं तो आ गया, देखो अगर वो आपको लिखते हैं a plus b upon root ab is equal to 6 by 1 और a greater than b find a and b, एक सेकंड में बता दोगे अब तुम इसे, बस बता रही है कि कुछ 6 को क्या लिख दिया 3 प्लस माइनस a का स्क्वायर 9 तो रूट ए बी एक है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 1 तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 प्लस √8 और माइनस √8 बस,
में टाइम कैसे छूटता है? यस बस अगर जो बिना पढ़े जाएगा वो पहले वाले मेथड पर लग जाएगा, ठीक है, तब तक पांच क्वेश्चन करेगा जो पढ़ के गया होगा। यस सर। बस इसमें एक कर्म कांड और कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है? इस केस में क्या हो रहा है, अब तक इन दोनों क्वेश्चंस में यहाँ वन आ रहा है, तो रूट ए बी वन है तो ए बी भी वन नहीं हो जा रहा है उस केस में, फिर बस बता रही। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ वो वन ही दे लो आपको, इसी पार्ट को चेंज कर सकता है, जो चेंज कर रहा है वो चेंज करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर वो हो सकता है यहाँ को 16 बाई 3 ले, अब करना ए ग्रेटर देन बी और फाइंड ए एंड बी। अगर आपने सुना होगा स्टार्टिंग से बिल्कुल, तो किसे लिखा दोगे? ठीक है, देखो रूट ए बी बराबर किसके है? तीन के, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? नाइन हो जाएगा। नाइन, अब सुनो इस 16 को थोड़ा पहले 8 और 8 8 एक प्लस और एक माइनस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9 55 तो प्लस रूट 55 और माइनस रूट 55। दिमाग काम कर रहा है? यस सर। क्लियर है? तो अपनी क्लास कर लो।